दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है चाहे किसी भी बैंक का, तो आपको सैलरी स्लिप नहीं देना पड़ेगा। ओनली बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको मिल सकता है। कुछ मैंने रिसर्च किए हैं और कुछ बैंक के टीमों से मैंने बात किए हैं और सारी चीजों को मैं रिसर्च करते हुए आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप थोड़े से अपने दिमाग को या अपने माइंड को अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको लीगल तरीके से आपको कार्ड मिल सकता है। और आपको कार्ड मिलेगा, आपका कार्ड डिक्लाइन भी नहीं होगा, बट आपके पास दो चीज होना जरूरी है। अगर आपके पास दो चीज है तो आपको 100% मिलेगा। चलिए इसके बारे में आज हम पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों लॉकडाउन में आपने अक्सर देखा होगा काफी बैंक का कार्ड अप्लाई काफी लोगों ने किया और डिक्लाइन हो गया। रीजन ये था कि बैंक का जो पैसा था वो पैसा काफी लोग जो है पेड नहीं कर पाए, तो बैंक जो है अपने सिस्टम में काफी लोग का सिविल स्कोर को मैच कराते हुए सारा रिकॉर्ड चेक करते हुए कार्ड इशू कर रहा था। बट अब क्या है कि काफी लोग का जो अमाउंट था बैंक उसे राइट नॉप कर दे रहा है, अब सिविल में डाल दे रहा है कि एक प्रकार से आपका लोन तो माफी हो गया तो सिविल में रहेगा आपका जो अमाउंट, तो उसके बेस पे आपको दोबारा कार्ड नहीं मिलेगा। बैंक सभी लोगों को स्टैंडर्ड कैटेगरी में छांट रहा है जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनके सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है, तो उनको बैंक स्टेप बाय स्टेप कार्ड देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सैलरी से कोई डिमांड नहीं है, आप किसी बैंक के कार्ड अप्लाई करो आपको मिलेगा। चलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि दो आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। पहला, अगर आपका सिविल में कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है, कोई भी ओवर ड्यू नहीं है, आपने कोई बाउंसिंग या आपने कोई लेट पेमेंट कोई चार्जेस आपका नहीं है, आपका सिविल अगर 800 है, अगर 800 आपका सिविल कम से कम है 790-800 के समथिंग है, और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है जिसमें पैसा आपका आता हो, ऐसा नहीं है कि 2000 आए, 1500 रुपए आए, 4000 आए, 5000 आए, अगर आपका एक अमाउंट 15 से 20-25 तक का आपका अमाउंट अगर आपके अकाउंट में आ रहा है, तो इसके बेस पे आपको बैंक कार्ड दे रहा है। काफी लोगों को कार्ड मिला है, मैं बहुत जल्दी और वीडियो लाने वाला हूं। अब देखिए कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करते हैं आईसीआईसी बैंक में, तो आईसीआईसी बैंक तो विदाउट सैलरी स्लिप कार्ड देता नहीं है, तो इसके लिए अभी क्या है कि काफी ऐसे अच्छे अच्छे एजेंट हैं जो फर्जी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने नियर बाई एजेंट के पास वहां पे जाके आपको ओनली बैंक स्टेटमेंट देना है और उसी की बेस पे आपको अप्लाई करना है, आपको कार्ड 100% मिलेगा। बट मैं आपको बता दूं कि आप अगर देहात से हैं या किसी ऐसे सिटी से हैं जहां से बैंक आपको कार्ड कभी देता दिया नहीं है किसी को, या वहां पे अगर उपलब्ध ही नहीं है, तो वहां पे अप्लाई मत करना। देखिए कुछ सिटी आ गए हैं, मैंने लिस्ट चेक किया है। अगर आप हाई सिटी मतलब मुंबई से हैं, अगर आप गुजरात से हैं, सूरत से हैं, अहमदाबाद से हैं, अगर आप दिल्ली NCR से हैं, अगर आप चेन्नई से हैं, अगर आप जैसे कि ये हाई सिटी में अगर आप आते हैं तो आपको कार्ड मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर लखनऊ से हैं, तो अगर आप एक हाई सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कार्ड अब मिलने से ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कार्ड डिक्लाइन हो सकता है। यहाँ से एक अपडेट और आया था बैंक की तरफ से कि बैंक क्यों लोगों को छांट रहा है। देखिए बैंक इसलिए छांट रहा है कि जो लोग राइट नॉप हो चुके हैं तो उनका सिविल में अमाउंट पेंडिंग है, वो अपना पैसा पूरा करेंगे तो लोन दोबारा ले पाएंगे, अगर पे नहीं करेंगे तो वैसे पड़ा रहेगा, कभी भविष्य में लोन ले नहीं पाएंगे। तो अब बैंक अच्छे लोगों को छांट के अलग स्टेप में रख रहा है और उसी बेस पे कार्ड अप्लाई कर रहे हो, आपका जो सिविल अगर मैच कर रहा तो कार्ड मिल जा रहा है। दोस्तों ये कोई फेक वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ, आपको 100% मिलेगा, डिक्लाइन होने कोई चांस नहीं है। देखिए अगर आप इसके पहले कार्ड अप्लाई जितना बार भी किए हैं, चाहे एक बार किए, चाहे दो बार किए, चाहे तीन बार किए, आपका कार्ड अगर जितनी बार डिक्लाइन हुआ है तो भूल जाइए कि आपको कार्ड दोबारा मिलेगा। आप 6 मंथ से लेके 9 मंथ, इतना साल, इतना मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। आप इतना वेट करने के बाद ही अपने सिविल को स्टैंडर्ड बना के तभी अप्लाई करना, आपको मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अभी कुछ रिसर्च करके आपके नियर बाई एरिया का एजेंट का नंबर निकाल रहा हूँ, मैं एक वीडियो में आप लोग को नंबर भी दूंगा और पता करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको स्टेप लेना है। और आप अगर अपने सिविल को बना के रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको कार्ड मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा।
जाएगा। अगर आप सिविल बर्बाद करेंगे तो आपको कार्ड कभी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये फालतू का पे लेटर यूज करना बंद कर दो, मोबाइल ऐप कंपनी से लोन लेना कम कर दो, बार बार कार्ड लोन अप्लाई जो है मत करो, आपको मिलेगा। अगर आप सिविल बना के रखेंगे ना, तो मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आपकी सिविल बनी है तो खुद जो है आपके पास सामने से कॉल आएगा, क्योंकि सिविल जो आपका होता है ना उसमें सारा रिकॉर्ड रहता है, उसके बेस पे बैंक ट्रैक कर लेता है कि ये पर्सन जेन्युइन है। तो सिविल बना के रखिए। अगर आप ये बोलो कि भाई मेरा सिविल तो अभी हाई है, मुझे कार्ड नहीं मिला, मैंने क्या बोला, अगर आप इन सब सिटियों से तो कार्ड आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जो एजेंट से बात कर रहा हूँ कि अप्लाई करने का प्रोसेस, तो अप्लाई करने का प्रोसेस मैं एक वीडियो में ला रहा हूँ और आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप वेट कीजिए और मैं आपसे विनती करूंगा कि सिविल को बर्बाद मत होने दीजिए। आप फालतू एप्लीकेशन से दूर रहिए, ये आपके सिविल बर्बाद कर दे रहे हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा, ये आप विश्वास करो। शायद आपको ये वीडियो कुछ अलग टाइप का लगे, या आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे चिल्ला रहा हूँ, ये मत सोचना। सिविल खराब हो जाएगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप किसी सरकारी या गवर्नमेंट जॉब खोजने जाओगे ना, वहां भी आपको दिक्कत होगा। तो सिविल बचा के रखिए, इन लोग से दूर रहिए, क्योंकि काफी सिविल खराब हो रहे हैं। मेरा सिविल खुद डाउन हुआ था, मैंने काफी मेहनत से अपने सिविल को तैयार बनाया, क्योंकि आजकल की जो एप्लीकेशन है फालतू आई है, एकदम परेशान कर दे रही है। 500 का लोन देती है, 5000 दिखाती है सिविल में। पे लेटर की ही बात करो, अभी मुंकी की बात करो, 1500 का लोन देके 50000 आपके सिविल में दिखा दे रही है। तरह तरह की गलतियां लोग कर रहे हैं। तो पे लेटर वालों से थोड़ा कम लो और खुद का पैसा यूज करो। खुद का पैसा यूज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा लोन मत लो, कार्ड आपको मिलेगा। मेरा वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी वीडियो लाऊंगा, कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया होगा, आपको मिलेगा विदाउट सैलरी स्लिप ओनली बैंक स्टेटमेंट, बट आपके बैंक में आपको इतना पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये गूगल पे कर लिया, 50 रुपये गूगल पे, ऐसा नहीं होगा। कुछ एक फिक्स अमाउंट आना जरूरी है। तो सिविल बनाइए 790 से 800, आपको कार्ड मिलेगा। मैं इसके लिए पूरी आपको विश्वास दिलाता हूं और इसके लिए आपका पूरा हेल्प में जरूर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बुरा लगा है तो डिसलाइक कर देना, ये आपके ऊपर है। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।